हाय मॉर्निंग, सो 3 अक्टूबर मॉर्निंग और ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए। और क्विकली कल 2-4 कमेंट आए रिगार्डिंग माई स्ट्रे वाला वीडियो, और फिर मैंने डाल दिया है एमसीसी का ब्रोशर का शायद पेज नंबर 40 है, जिसमें स्ट्रे अराउंड काउंसलिंग के बारे में लिखा हुआ है। पेज नंबर 40 एमसीसी काउंसलिंग का ब्रोशर आप देख लीजिए, वहाँ लिखा ज्वाइंट नहीं है, लिखा है कि राउंड 3 तक अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट को देखकर उनको बाहर निकाल दिया जाता स्टे राउंड से। सो अलॉटेड कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं, दैट मीन जिसको एक बार भी सीट अलोकेट हुई थी। सो स्टे मॉपअप में इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, आपको इंडिया में एक भी सीट मिली है किसी भी कोने में किसी भी राज्य में या स्टेट एमसीसी में, आप स्टे में नहीं बैठ पाएंगे। अब इस दिस कन्वर्जन वाला वीडियो, सो देखिए राउंड 2 तक सब कुछ नॉर्मल चला। अब आपको पता है इंडिया में कई तरह की सीट्स होती है, सबसे कॉमन एक NRI हो गई, उसके बाद एक माइनॉरिटी होती है, कहीं जैन कहीं मुस्लिम कहीं सिख, कैटेगरी सीट्स होती हैं SC ST OBC, सरकारी में भी प्राइवेट में भी, फिजिकली हैंडीकैप की सीट्स होती हैं, और हाँ मोस्ट कॉमन ये सीट्स होती हैं, राइट। तो अब ये सब कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट्स कैसे बनती हैं आराम से समझिए। और राउंड 3 शुरू होने के पहले नहीं बन रही हैं, और 2022 तक राउंड 3 के बाद बनती थी, अब बनती है राउंड 3 के दौरान। और ये दौरान समझना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने क्लाइंट्स को कई बार समझा चुका, एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। और ये सभी कैटेगरी पे लागू है, तो सिर्फ NRI मत देखिए। तो पहले माइनॉरिटी पकड़ते हैं जी, और एक बड़ा कॉमन माइनॉरिटी अगर मैं नॉर्थ इंडिया से बात करूँ, तो इस बार 2 कॉलेज जहाँ खूब सारी सीटें पक्का बचने वाली हैं, वो है सुभारती, जिसको 100 बुद्ध माइनॉरिटी सीट मिली थी, और राउंड 2 के ख़त्म होने तक हम ऑनलाइन ही चेक कर रहे हैं कि टोटल अलॉटमेंट ही 20 की हुई है, ज्वाइन कितने करेंगे किन के पेपर पास होंगे वो मैटर है। अब जब राउंड 3 शुरू होगा हम सब लोग फिर से UP की चॉइस फिलिंग करेंगे। सुभारती के पास माइनॉरिटी कोटे में लट से अभी सब ने ज्वाइन कर लिए, 80 सीटें बची हुई हैं। राउंड 3 में 8 लोगों ने फॉर्म भरा माइनॉरिटी के कोटे से, और कंप्यूटर ने 8 को अलोकेट कर दी सीट। अब कंप्यूटर को नहीं पता ना बाद में ये पेपर पास होंगे कि नहीं होंगे, उतना तो वो चेक नहीं कर रहा है, ना उसके पास वो सिस्टम है, वो तो जब हम नोडल सेंटर जा रहे हैं तो चेकिंग हो रही है। तो 80 में से उसने 8 दे दी उन बच्चों को जिन्होंने बुद्ध माइनॉरिटी क्लेम करा। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप वाकई बुद्ध माइनॉरिटी हैं तो आपको बिल्कुल क्वालिफाइंग स्कोर पर भी सुभारती मिल जाएगा, सिमिलरली जैन माइनॉरिटी वाले बच्चों को तीर्थांकर मिल जाता है। यूपी के एग्जाम्पल लेके बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अलफला या इरा इसमें कोई सीट बची नहीं रही है, क्योंकि मुस्लिम्स तो काफ़ी है ना, लेकिन जैन और बुद्ध बहुत कम है। तो कंप्यूटर ने क्या करा, उसने देखा कि यार 80 में से बच्चे ने 8 ही भरा है, ठीक, इन 8 को तो वो बुद्ध माइनॉरिटी सीट देगा, बाकी 72 को सीटों को ना नॉर्मल सीट बना देगा। वो जो सुभारती की 100 नॉर्मल सीटें थी उसमें अभी 72 ऐड होकर 172 हो जाएंगी। तो जितने भी यूपी के बच्चों ने फॉर्म भर रखे, अगर किसी ने अपग्रेड भी डाल रखे और अपग्रेड में सुभारती लिखा हुआ है, और फिलहाल आपको नजर आएगा सीट मैट्रिक में खाली 2 सीटें हैं सुभारती में नॉर्मल, पर अगर ये 72 चेंज हो गई सो 2+72 74 आपके लिए अवेलेबल होंगी, और कंप्यूटर उसके हिसाब से एलोकेट कर देगा 74 बच्चों को नॉर्मल सीट एज पर मेरिट। मैं समझा के थक रहा हूँ कि किसी हाथ में कोई सीट देना नहीं है, जो हम एज ए एजेंट, एज ए यू नो आई हेट कॉलिंग माई सेल्फ, बट जो अब जाके मुझे एजेंट वाला काम करना पड़ता है, काउंसलर वाला नहीं, सिर्फ बैंक गारंटी छुड़वाना, फीस नेगोशिएशन जहाँ पर PMS उमरदा जैसा, जहाँ पर 35 लाख × 4.5 प्लस हॉस्टल 1.85 का पैकेज बैठता है, तो उस 1.85 को कैसे आप थोड़ा सा रीजनेबल पे लेकर आते हैं, या मध्य प्रदेश की जो NRI सीट्स थी जहाँ पर 50-50 लाख का MRP है पर ईयर फीस, या सिमिलरली कर्नाटका की जो क्यू कोटा है या महाराष्ट्र का, सिर्फ उसी में एजेंट का रोल रह गया है सीट दिलाने में नहीं। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सो बुध या जैन, अब बुध वाले ने समझो 8 को दी, बाकी 72 तो निपट गई, पर ये 8 सीटें बुध माइनॉरिटी को दी गई थी। अब इन 8 में से 4 बच्चों के पेपर फेल हो गए समझो नोडल सेंटर में। अब जब राउंड 4 आएगा तो अभी भी बुध माइनॉरिटी की 4 सीटें बची होंगी, क्योंकि वो थर्ड राउंड में 4 सीट बुध वाले को अलोकेट हुई थी, लेकिन अब वो 8 के 8 के पेपर पास हो गए, और इन 72 में से सोचो कि 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। अब जो राउंड 4 में सीटें आएंगी, ये वाली 4 ये होंगी नॉर्मल सीटें, समझे। सिमिलरली कहीं जगह NRI,
कई लोग अभी भी होंगे, मौलाना का एनआरआई भर दिया, ग्राफिकीरा का एनआरआई भर दिया, काउंसलर से धोखा दे दिया, मिसगाइड कर दिया कि मैं आपको ग्राफिकीरा में 40 लाख का डिस्काउंट दिला दूंगा। आपने फॉर्म भरा, 2 लाख एमसीसी को दिए, एनआरआई का पेपर लगाया और उसके बाद आप उस कंसल्टेंट को 5 लाख दे दिए। जब ज्वाइन करने पहुँचे तो वहाँ पर बोला कि आप फुल फीस है जी, आप उल्टे मुँह वापस आ गए, आपके 2 लाख तो गए गए पर आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई थी, एनआरआई वाली। चूँकि आपको एनआरआई सीट एलोकेट हुई थी और आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप राउंड 4 में एक एनआरआई सीट बची होगी, समझे। तो इस तरह चलता है। लेकिन अगर एक भी बच्चे ने लेट से कोई पर्टिकुलर कॉलेज का एनआरआई नहीं भरा, ग्राफिक एरा वाले बुरा ना माने, तो अब ऑलरेडी राउंड 3 में सारी सीटें बन जाएंगी, जनरल सीट जनरल को एलोकेट हो गई और फिर कोई छोड़ता उस सीट को अलॉटमेंट लेने के बाद ज्वाइन नहीं करता, वो राउंड 4 में जनरल सीट आएगी। ये चलती है कॉम्प्लिकेशंस। जिस भी प्राइवेट कॉलेजेस में अगर कोई कोटे की सीट्स है, स्पेशली जैसे राजस्थान की बात करेंगे, तो फिर कंप्यूटर कोशिश करेगा किसी एससी एसटी ओबीसी ने अगर राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई करा तो पहले वो उन्हें सीट देगा, वो सीट नहीं होंगी तो इसी राउंड के दौरान वो सीट को जनरल सीट बना देगा। स्टेट कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में तो ऐसा कोई है ही नहीं, और फिर स्टेट कोटा की जनरल सीट बना के वो उन बच्चों को देने की कोशिश करेगा जिन्होंने स्टेट कोटा मांगा या जो राजस्थान डोमिसाइल हैं, बिकॉज उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी राउंड 3 में। फिर वो सब खत्म हो जाएगी लिस्ट, कोटे वालों की खत्म हो गई, कैटेगरी वालों की खत्म हो गई, राजस्थान वालों की खत्म हो गई, फिर वो नॉन राजस्थान को उठाएगा मेरिट के हिसाब से। और अब तो कोई कोटा तो है ही नहीं, और मेरिट के हिसाब से टोटल उसके पास बल्क ऑफ सीट्स होगा जो वो देता चला जाएगा। आपको स्टेट सीट भी मिल सकती है, मैनेजमेंट सीट भी मिल सकती है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टेट राजस्थान की सीट खाली राजस्थान डोमिसाइल को मिलेगी, समझे। वो उनका पहला हक है, और पहला हक है तो अगर मैं राजस्थानी हूँ, मुझे अगर 20 लाख साल की फीस की सीट मिल रही है तो मैं पागल हूँ जो 26 लाख की सीट भरूंगा। इसलिए मोस्टली ऐसा होता है कि स्टेट सीट राजस्थानियों को मिल जाती है, दैट डजंट मीन आपको मिल नहीं सकती। सिमिलरली मध्य प्रदेश में जो थोड़ी बहुत एनआरआई सीटें बची हुई हैं, कंप्यूटर पहले एनआरआई को देने की कोशिश करेगा, एनआरआई बच्चे उतने नहीं मिलेंगे तो उसको नॉर्मल सीट बना के एलोकेट कर देगा, और नॉर्मल सीट बनते ही पहला हक राउंड 3 में भी मध्य प्रदेश डोमिसाइल वालों का है, तो वो नॉर्मल सीट तो मध्य प्रदेश डोमिसाइल वालों को ही मिलेंगी। तो अब नॉन एमपी वाले और ये सोच रहे हो कि कन्वर्ट होने के बाद मेरे को मध्य प्रदेश की 14 लाख रुपए फीस में सीट मिल जाएगी, ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। राजस्थान फिर भी 20-21 लाख की फीस है, महंगी पड़ती है अगर मैं स्टेट फीस की बात कर रहा हूँ। और इसलिए ना वो स्टेट कोटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के लिए है, वो पिछली सस्ती फीस महंगी फीस जहाँ तक राजस्थान की बात है। ऐसे ही बिहार में राउंड 3 में होगा, जो एनआरआई सीट्स हैं वो अगर बच्चे नहीं आएंगे तो वो नॉर्मल सीट बना के मेरिट में दे देगा। ऐसी कैटेगरीज में मैंने आपको जैन और बुद्धिस्ट तो समझाई दिया, किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर एससी की एसटी की सीट्स हैं, सेम सरकारी में चलता है, स्पेशली फिजिकल हैंडीकैप को लेके, तो जिस कैटेगरी से जिस उस आपको पता है फिजिकल हैंडीकैप रिजर्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स अनरिजर्वड ओबीसी एससी एसटी में से सीट निकाली जाती है, तो जिस कोटे की फिजिकल हैंडीकैप बच्चा नहीं आया उसी में वापस चली जाएगी। तो अगर आप जब भी सीट मैट्रिक्स देखेंगे आपको फिजिकल हैंडीकैप के पहले हमेशा लिखा मिलेगा अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। बाकी सब वर्टिकल रिजर्वेशन हैं, जैन माइनॉरिटी की सीटें 75 टीएमयू में अलग हैं, बुद्ध माइनॉरिटी सुभारती 100 सीटें अलग हैं, एनआरआई सीटें अलग हैं, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप हमेशा हॉरिजॉन्टल वो होता है रिजर्वेशन। इसका मतलब जो मेन कैटेगरीज हैं अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी उनमें से निकाली जाती है 5%, तो उसी कैटेगरी में वापस चले जाता है सीट अगर कोई बच्चा आया नहीं। ओके, तो इस तरह से चलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा क्लैरिटी लेने में, और आप खुद को नहीं थी तो आपके काउंसलर्स आपको हेल्प कर देंगे इस वीडियो को समझाने में, आप बार बार सुन के समझ सकते हैं। दूसरों का भला हो जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सिर्फ इस साल के लिए नहीं, अब तो मैं 2025 में जो नीट देने वाले हैं आपको हेल्प होगी, बिकॉज आई कीप ऑन मेकिंग वीडियोस थ्रू आउट द ईयर। हम वो नहीं है सिर्फ जो सीजन के टाइम में 3 महीने वीडियोस बनाते हैं। ओके, और फिर से मैं नवंबर के बाद, मेरा शौक भी है, आई एम ए ट्रैवलर एक्चुअली बाय हार्ट, सो आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। आपने लास्ट ईयर के मेरी वीडियोज़ देखे होंगे, मैं बॉम्बे टू गोवा बाय कार गया था, एंड आई विजिटेड ऑल द कॉलेज जो रूट में आते हैं बॉम्बे टू गोवा। तो दिस थिंग्स आई कीप ऑन डूइंग। जस्ट टू टेल यू कि शायद मैंने ऑलरेडी टिकट्स करा ली हैं नवंबर लास्ट वीक में टू गो टू गोरखपुर, एंड आई विल सी गोरखपुर का कॉलेज एंड महाराजगंज का कॉलेज, उसकी वीडियोज़ बनाऊंगा जो अगले साल के बच्चों को काम आएंगी। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी हमारी कोई पेड सलाह चाहिए सो यू नो द नंबर 9643362320। मिनिमम कॉल चार्जेस हैं 5,000 रुपये मुझसे बात करने के, और इनमें से कोई अगर आपको सीट चाहिए जो बची हुई हैं
सो देन यू कैन टेक अवर काउंसलिंग पैकेज ऑल्सो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.